इनकम टैक्स की नई गाइडलाइन के अनुसार आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कई बार कई लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे पैन कार्ड को यूज करते हैं, दो या तीन पैन कार्डों को बना लेते हैं और उसमें इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। इसी के लिए इनकम टैक्स विभाग से आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और यदि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड अनवैलिड माना जाएगा। इसकी डेट बहुत ही नज़दीक आती जा रही है और इनकम टैक्स की तरफ से लगातार आपको सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करें। आइए जानते हैं कैसे आधार और पैन कार्ड लिंक करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा, मोबाइल से भी आप इसको कर सकते हैं। गूगल क्रोम खोलेंगे, उसमें लिखेंगे ई फिलिंग लिंक आधार। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इसके बाद आप जो पहले ही आपको जो है ये लिंक दिखाई दे रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे। लिंक आधार आपको कुछ ऐसा इंटरफेस इसमें आ जाएगा और इसमें आपको फर्स्ट रो में पैन कार्ड डालना है, सेकंड में आधार नंबर डालना है और इसके बाद आपको नाम डालना है जैसा कि आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। और अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की जगह केवल ईयर दिखाई देता है तो उसको इस चेकबॉक्स को टिक करना है और आई एग्री टू वैलिड माई आधार डिटेल इस पर चेकबॉक्स पे टिक करना है। इसके बाद जो कैप्चा लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक कर सेम टू सेम डाल देना है और इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको करता हूँ। आधार लिंक करने के बाद आपको मैसेज आएगा, आप योर आधार लिंक इज सक्सेसफुली। इसके बाद यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं आप अपने आधार कार्ड को कि ये आधार कार्ड आपका लिंक है या नहीं, तो आप इन दोनों बॉक्सों में अपना पैन कार्ड और आधार नंबर भरेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। मैं भरता हूँ इस पर, तो ये देखिए ये लिख कर आ गया है, योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर सो एंड सो। आपका जो पैन कार्ड है वो इस आधार के साथ लिंक हो चुका है और बस इतनी सी प्रोसेस है, बहुत ही आसान है। और इस तरीके से आप अपना आधार और पैन कार्ड को बड़े आसानी से अपने मोबाइल से आप लिंक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।